यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। साथ ही आज सूबे के 11 जिलों में बीजेपी जिला कार्यालयों का भूमि पूजन हो रहा है। साथ ही इस कड़ी में गुरुग्राम में भी बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर, साथ ही सुधा यादव समेत गुरुग्राम जिले के सभी विधायक और पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। इस मौके पर भूमि पूजन और हवन के जरिए बीजेपी जिला कार्यालय की नींव रखी गई। तो 11 जिलों में जिला कार्यालय खोले गए हैं। हरियाणा में कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से खास बातचीत की। दिन बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि आज 11 जिला पे बीजेपी के जो कार्यालय है उनका भूमि पूजन हुआ है। पंचकुला में मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया तो गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बराला साहब हमारे साथ मौजूद। तो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की, खासतौर पर जो नाराजगी अधिकारियों को लेकर होती है, उस नाराजगी का आप सोल्यूशन कब निकल पाए? ये मैं कई बार इस बात का जवाब देता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता की कोई पार्टी से कभी कोई नाराजगी नहीं होती है, क्योंकि हमारी सरकार केंद्र में भी है और हमारी सरकार हरियाणा में भी है। और कार्यकर्ता के मन का एक ही भाव रहता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ 100% निचले स्तर तक पहुंचे, गरीब कल्याण की जितने भी सरकार की इस प्रकार के कार्यक्रम आते हैं उनका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। अगर वहां कहीं कोई समस्या आती है तो फिर कार्यकर्ता हमारा अपनी बात को उच्च स्थान पर रखता है। इसलिए जब कोई इस प्रकार की प्रदेश के हित की, जनहित की बात रखता है कोई कार्यकर्ता, तो उसको मैं नाराजगी के तौर पे नहीं लेता हूँ, मैं उसको एक उस तरह से लेता हूँ कि कार्यकर्ता बहुत इस बात के लिए चिंतित रहता है कि हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम स्थान तक पहुँचे। एक सवाल मेरा ये भी, आपने कहा कार्यकर्ता नाराज नहीं है, लेकिन आपके सांसद राजकुमार सैनी, उनका जो मंच है लोकतंत्र सुरक्षा मंच, उन्होंने उस मंच के लिए चुनाव चिन्ह की मांग चुनाव आयोग से क्या है, यानी उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि अपना राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं? देखिए वो क्या कर रहे हैं इसकी एक बार घोषणा हो जाए उसके बाद टिप्पणी करेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई राजनीतिक गतिविधि अपने तरीके से करने का अधिकार है, जो इसमें बात आगे आएगी उसके बाद टिप्पणी करेंगे। आखिरी सवाल, जो इनेलो और बीएसपी का तालमेल हुआ, जो गठबंधन हुआ, आपको नहीं लगता कि उससे जो सियासी पारा ज्यादा बढ़ चुका हरियाणा में और कहना कि दूसरे राजनीतिक दलों को लिए थोड़ी बड़ी चुनौती हो चुकी है? देखिए इस प्रकार के गठबंधन हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का पहले भी हुआ है। आप सबको ध्यान है कि 1998 में लोकसभा के चुनाव में इनका गठबंधन हुआ था, लेकिन उस गठबंधन का हश्र क्या हुआ था वो उससे भी बुरा हश्र इस बार होगा। और ये गठबंधन भी इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है क्योंकि हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है, चौधरी देवीलाल से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल, यानी कि जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें कभी बनी हरियाणा प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना नहीं बनी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला मौका हरियाणा प्रदेश में ऐसा आया कि हमारी अपनी खुद की सरकार हरियाणा प्रदेश में अपने बूते पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाई और इतने अच्छे काम हमारी सरकारें कर रही हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। इन सरकारों की जो उपलब्धियां हैं इनसे घबराई हुई है इन लोग बुरी तरह से, और अपनी पार्टी में उसमें जो टूटन जा रही थी उसको रोकने के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है। और मैं दावा करता हूं कि लोकसभा का चुनाव आते आते गठबंधन भी निपट जाएगा। बिल्कुल, ये थे बराला साहब, इनका यही कहना है कि जो इनेलो ने तालमेल किया है।